खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं ठिकरी बार्डर तो तुहाडे नाल लाइव हो रहे हैं, तो तुहानू एक ऐसा नौजवान वीर दिखा रहे हैं जो कि पिछले दो महीने तो जिन्होंने मौन वर्त रखे सी, कहिंदे वी मैं बोलना तो स्टेज पर जाके बोलना, तो अज वो अज स्टेज पर बोल के आए। आपां उहनां नाल गल करदे हैं भी उहनां दा की विचार सी इहदे विच। हाँ जी, की नाम है तुहाडा? देखो जी, 1 नवंबर जड़े हैं बिलाए सी सत्ता दे विच, जब मुझे पता चला तो मैं चुप हो गया। वर्त तो एक नाम है, मगर अपनी जो पंजाब भाई हैं, जो अपना बड़ा भाई हरियाणा का, अपना जो साडा बड़ा भाई है पंजाब, उन्होंने जो सहनशीलता दिखाई यहाँ पर धैर्य से बैठने की, उसी के मुताबिक मैं भी अपने आप चुप हो गया था 2 महीने से। 1 नवंबर को मुझे पता चला कि ये बिल आ गए हैं। ये बिल जो 3 काले कानून जो किसानों मजदूरों का बिल्कुल नाश करने के लिए, उनकी झड्डियाँ उड़ाने के लिए आए हुए हैं, मैंने सोचा कि बोलना है तो वहाँ पे स्टेज पे जाके बोलना है। आज तुसी स्टेज पे बोल के आए हो, तुसी कितना दा फील करते हो? बहुत चंगा फील करते हैं पंजाब सरदार जी। कितना टाइम तुहानू अज टाइम मिलिया स्टेज पे बोलन दा? मुझे और लोगों को 4 मिनट मिलते हैं, मुझे 15 मिनट मिले हैं जी। मैंने अपना जी खोल के बोला, लेकिन एक कसक रह गई, वो पंजाब दे सरदार शहीद भगत सिंह जी ने कही थी ना कि माँ, मैं अपनी ज़िंदगी का 1000वां हिस्सा उन किसानों मजदूर और इंसानियत के लिए नहीं पूरा कर सका। बस इतनी कसक रह गई, मैं अपने उन हरियाणा के उन भाइयों के लिए गाना गाना चाहता था जो घर पे बैठे हैं, कि वो भी जागरूक हों और हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ दें जी।